बुधवार को रायसेन में दिव्यांग बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता जनपद शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान सांची द्वारा विकासखंड स्तर पर कराई जा रही है, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के खेलकूद सांस्कृतिक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, जिसमें मेहंदी रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता एवं चम्मच दौड़ 100 मीटर की दौड़ बालक बालिकाओं की अलग अलग प्रतियोगिताओं में दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में 100 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 50 मीटर दौड़ बालक वर्ग में पहला स्थान बाबू, दूसरा स्थान रोहित, तृतीय स्थान अंकुश एवं बालिका वर्ग में क्रांति प्रथम, मीनाक्षी द्वितीय, संजना को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चम्मच दौड़ में बालक वर्ग में निशांत पहले, हेमराज दूसरे, बालिका वर्ग में क्रांति प्रथम, खुशी द्वितीय, आरोही को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। रंगोली प्रतियोगिता में खुशी प्रथम, नीलम द्वितीय, धनवती तृतीय स्थान पर रही। चित्रकला प्रतियोगिता में माया प्रथम, दिव्य द्वितीय, आर्यन तृतीय स्थान पर रहे। मेहंदी प्रतियोगिता में किरण प्रथम, जुबीना दूसरे, धर्म रहे। इसी प्रकार बास्केट बॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में हरिओम प्रथम और द्वितीय, हेमराज तृतीय स्थान पर तथा बालक बालिका वर्ग में खुशी प्रथम, उन्नति द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। नृत्य प्रतियोगिता में उन्नति प्रथम, किरण द्वितीय स्थान पर रही एवं सभी बच्चों को प्रशस्त पत्र एवं उपहार स्वरूप सर्दी से बचने के लिए सभी दिव्यांग छात्र छात्राओं को स्वेटरों का वितरण डीपीसी एस के उपाध्याय, एपीसी श्रीवास्तव और बीआरसीसी राजकुमार साहू, जन शिक्षक सूर्य प्रकाश सक्सेना द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जन शिक्षक रघुवीर भदौरिया द्वारा किया गया। चयनित छात्र छात्राओं को 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में खेल परिसर रायसेन में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। खंड स्तरीय दिव्यांग प्रतियोगिता का आयोजन करा गया है, जिसमे पूरे विकास खंड से लगभग 80 से 90 बच्चे उपस्थित हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की उनकी प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से आज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तीन चयन किया जाएगा। वो चयन करने के बाद 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के रूप में जिन बच्चों का चयन होगा उनको खेल स्टेडियम में विकास खंड स्तर से पहुंचाया जाएगा। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें विवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।